दिवाली हो, शादी हो या पार्टी, मेकअप से 2 घंटे पहले इसे लगा लें, चेहरा हीरे से भी ज्यादा चमकेगा। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्यूटी सीक्रेट हिंदी में आज मैं आपके लिए 2 ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ, अगर आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या फिर दिवाली के लिए स्पेशली अपनी स्किन को ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करना चाह रहे हैं, तो आप इन 2 चीज़ों के साथ अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर, ब्राइट और ग्लोइंग कर सकते हैं। मेकअप से बस 2 घंटे पहले इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी स्किन को हद से ज़्यादा चमकदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा काला बना चुका है अंडर माउथ एरिया में और फोरहेड पर आपकी स्किन काली काली होने लगी है, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखें। इन 2 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब आप मेकअप करोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से यूथफुल, ग्लोइंग और क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे इन दोनों रेमेडीज को ट्राई करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इन 2 रेमेडी को ट्राई करके अपने फेस पर यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक मैजिकल पैक, जिसे यूज करने से आपकी स्किन में आएगा यूथफुल ग्लो और साथ ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटन हो जाएगी। जिसके लिए सबसे पहले आप एक बॉल ले लीजिए और इसमें पहला इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा डल स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है, ग्लो को बढ़ाती है, ग्लो इन्हेंस करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। 1 चम्मच एलोवेरा डालने के बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए कॉफ़ी। मैं यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ। कॉफ़ी आपके काले पड़ते रंग को साफ करने का, निखारने का ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। अगर आपने पहले कभी अपनी स्किन पर कॉफ़ी का यूज़ नहीं किया तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा इस रेमेडी के साथ। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दीजिए और फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है इसके अंदर बादाम ऑयल। आप ऑलमंड ऑयल का यूज़ करें क्योंकि ये आपके स्किन को नेचुरली तरीके से ब्राइट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 बूंद आप इसके अंदर बादाम तेल ऐड कर दें और सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इस रेमेडी को आपको बना करके रख देना है। अब दूसरी चीज़ आपको बनानी है क्लींजर, जिससे कि आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है। और क्लीनिंग के लिए सबसे पहले एक बॉल लीजिए और इसमें आपको ऐड करना है कच्चा दूध। आप इसमें कच्चा दूध लें और दूसरी चीज़ आप इसमें रोज़ वाटर यानी गुलाब जल ऐड कर दें। दोनों को मिक्स करके एक कॉटन की मदद से आपको अपने चेहरे को इससे क्लींस करना है। दोस्तों, क्लींजिंग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप स्किन को क्लींस करते हैं तो स्किन के पोर्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं और साथ ही आपकी स्किन पर जो भी आप मेकअप करोगे वो बहुत अच्छी तरह से ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से पहले क्लींस कर लें चेहरे को, उसके बाद आप इस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। पैक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप पैक को पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद अपने चेहरे को अच्छी तरह से मसाज करें और मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश कर दें। ये 2 स्टेप्स करने से आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगी। अगर आप मेकअप से 2 घंटा पहले आप इन दोनों रेमेडीज़ को अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। पार्टी या शादी में आप सबसे यूनिक दिखेंगे, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा हमारी इन 2 रेमेडीज़ को और साथ ही साथ कमेंट में अपने फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।